अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाश्ते में सिस्टर के घर आए हैं हॉलीडेज इंजॉय करने के लिए, और आज एक क्विक वीडियो में हम बना रहे हैं मेरा फेवरेट नाश्ता, लेयर वाला पतला और क्रिस्पी पराठा और मीठी चाय। इसके लिए सिस्टर के घर आई हूँ, पराठा सिस्टर बना रही है। तो सबसे पहले हमने नमक वाला गूंदा हुआ आटा लिया है और उसको इस तरह पतला सा बेल लेंगे, और इसके अंदर घर का हमने देसी घी निकला हुआ अच्छी तरह लगा के फैला दिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना। और इसके ऊपर हम अब इसके ऊपर हमने खुशका स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसमें बहुत ना पतला, तकरीबन चौड़े चौड़े, ये देखें इसमें चौड़े चौड़े जो है छुरी से कटिंग कर ली है। अब एक के ऊपर एक इन कटे हुए पीसों को उसी तरह रोल कर लेना है, या एक के ऊपर एक आप आराम से रख लें, और फिर इस तरह उसको बना के रोल करना है। और फिर उसको रोल करने के बाद उसका पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद उसको हम दोबारा बेलेंगे। तवा हमारा गर्म हो रहा है, इस तरह हमने इसको पतला से दोबारा बेल कर गर्म हुए हुए तवे पे डाल देना। ये गैस में रख दो। थर्टी सेकेंड एक तरफ होने के बाद ये घर का निकला हुआ हमने उसके ऊपर बटर लगा दिया है, एक तरफ से जो हमने पहली तरफ उल्टी डाली थी उसी पर। देखें इस तरह हमने 30 सेकेंड के बाद इसको पलट दिया। ये देखिए इसने फ्राई होना शुरू कर दिया है, एक तरफ से जो हमने बटर लगाया था उसके बबल्स बन रहे हैं। अब हमने दूसरी तरफ भी अच्छी तरह बटर लगा देना है। इस तरह ये पलट के देखा, ये देखें अच्छी तरह फ्राई होने लग गया। ये देखें कितना अच्छा इसका नाइस कलर आया है, और इसको इसी तरह दूसरी तरफ से फ्राई करके उतार लेंगे। तो ये नजर ये देखें, अगर साइडों से ये देखें लेयर्स इस तरह आना शुरू हो गई है, बहुत ही नाइस क्रिस्पी और क्रंची पराठा बनने वाला है। ये पलटने से भी ये देखें इस तरह इसकी लेयर्स नजर आ रही हैं, लेयर्स इसकी खुलने लग गई हैं। ओह माय गॉश, इतना मजेदार। ये देखें नमक वाला पराठा और मीठी चाय जो है ना, ये मेरा फेवरेट फेवरेट नाश्ता है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। ये रेसिपी तो नहीं मैंने आपको, मैं अपनी हॉलीडेज की रूटीन दिखाई है कि आराम से बैठ के सिस्टर के घर जो नाश्ता मिलता है ना, वो हर तरह का इस बेचारी ने मेरे लिए पराठा ईजाद किया हुआ है। पराठा तैयार है। रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।